नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झक्कास कहानी में। मैं आपके मनोरंजन के लिए और एक नई कहानी लेके आई हूँ, जिस कहानी का नाम है शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड। अगर आपको ये कहानी सुनने के बाद अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिलते थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है, उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी से कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। अब ये कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मनमार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी, और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। अब सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ को चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वो अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे बाद ही लड़की भी अपने स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी, और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, लेकिन लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना, आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से ये कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने तो वापस घर लौटाया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हूँ कि ये प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी लड़का गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैंने तुम्हारी ही तो हूँ, मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ एक रात भी नहीं सोई है, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपना हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊँगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपये का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना, मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं, मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊँगी।
यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वह उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेले ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि अब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहते हैं, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है, पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आँख में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत तो हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी एक रुपया भी दहेज ना लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपनी साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखा प्यार को वही महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हम सफर बनाने आया हूँ, आपसे जबरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आँख से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसे ही प्यारे थे, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उससे शादी कर ली, और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है। पता होने के बाद भी मुझे इतना प्यार किया, मैं अपने पति का प्यार क्यों न समझ पाई। यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस में जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहन ली, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चल जाए कि वो एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने देती है।
और खुद अकेली सब खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसके ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि यह उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहा पता था कि वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर अपने ऑफिस का खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना, माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था, तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपनी पति के सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ के कहती है कि अब एक महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों, तभी लड़की की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तभी पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। ये कहकर वह उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहाँ से वो अपने गवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता।